कोविड के 2 साल बाद प्रदेश में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, जिसके चलते अजमेर शहर में भी छात्र संघ चुनाव की गर्मा गर्मी बनी हुई है। आज शहर के सभी कॉलेजों में छात्र नेताओं ने अपने नामांकन भरे हैं, जिससे विश्वविद्यालय व कॉलेजों में रौनक नजर आ रही है। बता दें, इस बार MDSU में 1,149, SPC GCA में 7,133, GGCA में 2,648, DAV में 206 और लॉ कॉलेज में 449 वोटर है। वहीं ABVP व NSUI ने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। सबसे ज्यादा वोटर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में हैं। इस बार मतदान 26 अगस्त को होने वाले हैं। बता दें, प्रत्याशियों ने नामांकन से पहले ही चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, साथ ही छात्र संघ चुनाव को लेकर हार जीत की रणनीति की चर्चाओं के साथ संबंधित गतिविधियाँ तेज हो गई है। मैं अंजलि मीणा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से GGCA से हूँ और NSUI की तरफ से खड़ी हुई हूँ अध्यक्ष पद पे। आज हम नामांकन भरने जा रहे हैं। अभी अजमेर क्लब से रैली निकालेंगे गर्ल्स की, और 2 साल बाद वोट्स हो रहे हैं तो बहुत जोश है गर्ल्स में। इनकी मांगे भी बहुत सारी है। इसमें 2,500 छात्राएँ हैं और इनकी मांगे कि हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल का करवाएँ, और वाईफाई की और प्लेग्राउंड की है, और कॉलेज के कैंपस छोटा पड़ता है उसके लिए मांग है। सफाई नहीं होती है, कैफेटेरिया नहीं है जहाँ पे गर्ल्स अपना फ्री टाइम में बैठ के। छात्रों में बहुत जोश है और दे रही हैं साथ पूरा सारी।